रूही बेटा, ये तुम्हारे लिए दशहरे का तोहफा, कपड़े और जेवर, ये लो। थैंक यू, पर मैं इतनी परेशान थी कि मैं तो आपके लिए कुछ लाना ही भूल गई। अरे नहीं बेटा, I'm so sorry. अरे नहीं बेटा, तुम मुझे दादी बनने का सुख जो दे रही हो, इससे बड़ा तोहफा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। रख दो आराम से। तो क्या मैं ही आपसे कुछ और मांग सकती हूँ? तो बोलती है मैं एक और चीज़ मांगना चाहती हूँ, और यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे रोहित के लिए उस नया कैबिन चाहिए ऑफिस में। बस मैं ये चाहती हूँ कि दादी सा ऑफिस का नया कैबिन रोहित को दे। और वैसे भी अभी तक रोहित को जो कुछ भी मिला है वो अरमान की उतरन ही मिली है। और अगर अरमान का कैबिन मासा ने रोहित को दिया था, वो इसलिए क्योंकि रोहित के पास कैबिन नहीं था। आपको अरमान की फिक्र हो रही है ना, तो आप कह दीजिए ना मासा से। कि अरमान का कैबिन वापस ले ले और रोहित को नया कैबिन दे दे। और ये बात आप ही मासा से कह सकते हैं, क्योंकि मेरी बात तो वो सुनेंगे नहीं। अरे मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूं? क्यों, आप क्यों नहीं बात कर सकते? आपको बात करनी होगी माधव जी, अपने बेटे रोहित के लिए बात करनी होगी, अपने होने वाले पोता या पोती के लिए बात करनी होगी। और यहीं पर जाकर मैं रूही को भी वो शगुन के तौर पर देती हूँ तोहफा। और वहाँ पर रूही बोलती है कि मैं तो आपके लिए कुछ नहीं लाई माँ, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। और मैं बोलती हूँ बेटा, तुम इतनी बड़ी खुशी तुमने मुझे दे दी है, मैं दादी बनने वाली, पोता है पोती आने वाले हैं, तो इससे बड़ी खुश, इससे बड़ा त्यौहार यू नो तोहफा मेरे लिए क्या होगा? तो बोलती है मैं एक और चीज़ मांगना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे रोहित के लिए उस नया कैबिन चाहिए ऑफिस में। तो यहाँ विद्या थोड़े विडम्बना में आ जाती है और वो माधव को देखती है कि आप ही जाकर बोलेंगे। और माधव बोलता है मैं कैसे बोल सकता हूँ मासा को? तो बोलती आप ही बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी तो मासा सुनेंगी नहीं। और वैसे भी अभी तक रोहित को जो कुछ भी मिला है वो अरमान की उतरन ही मिली है, और कोई खजाना नहीं मिला उसे आज तक। और अरमान का अगर कैबिन मिला था, बिकॉज रोहित के पास नहीं था कैबिन, तो इसलिए आप मासा से कहिए कि अरमान का कैबिन उसे लौटा दें और रोहित के लिए नया कैबिन तैयार करें।